श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के अध्यक्ष राजकुमार बुत्रा ने कहा कि माहेश्वरी समाज का लक्ष्य है कि देश के सभी तीर्थों में आमजन की सुविधाओं हेतु माहेश्वरी समाज के भवन बने। इस लक्ष्य को लेकर समाज की ओर से जोर शोर से प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयासों के सार्थक परिणाम भी सामने हैं। बुत्रा ने कहा कि श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर की ओर से तय किए गए लक्ष्य के अनुरूप भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से माहेश्वरी समाज के भवन के लिए अभी हाल ही में 60,000 वर्ग गज जमीन क्रय कर ली गई है। उक्त जमीन पर शीघ्र ही 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले भवन का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। बुत्रा मंगलवार देर शाम को शहर के सेंद्रा रोड स्थित होटल राजमहल में किसी सामाजिक कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। इस दौरान वे मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान बुत्रा ने कहा कि अयोध्या नगरी अब विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल बन गया है और यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए माहेश्वरी समाज ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भवन बनवाया जा रहा है। अध्यक्ष बुत्रा ने बताया कि माहेश्वरी समाज भवन बनाता है जो कि सनातन संस्कृति के सभी धर्मों के लोगों के उपयोग में आता है। समाज के इन भवनों में अन्य समाज के लोगों को भी उसी प्रकार की सेवाएं व सुविधाएं मिलती है जो माहेश्वरी समाज के लोगों को मिलती है। बातचीत के दौरान उन्होंने माहेश्वरी समाज की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न प्रकल्पों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देशवासियों पर आने वाली किसी भी प्रकार की विपत्ति के दौरान माहेश्वरी समाज शासन तथा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है और अपने स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के मानव सेवा कार्यों को अंजाम देता है। बुत्रा ने कहा कि माहेश्वरी समाज के घरों में आज भी सनातन संस्कृति के अनुसार आचरण तथा व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक घर में पूजा अर्चना के साथ ही दैनिक दिनचर्या की शुरुआत होती है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान माहेश्वरी समाज ब्यावर के अध्यक्ष विष्णु गोपाल हेड़ा, मंत्री दिलीप कुमार जाजू, श्री माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के उपाध्यक्ष जयकिशन बलदुआ तथा रमेश भराड़िया सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। आक्रांताओं की अधीन ऐसे ही पड़े थे और आज ऐसा लगता है, अभी जब मोदी जी गए 7 लाख दीपक जलाए वहाँ के लोगों ने, वहाँ लग रहा था अब राम जी आए हैं, इस तरह की वहाँ की स्थिति हो गई थी। तो लोगों का आकर्षण इतना बढ़ गया अयोध्या में कि आने वाले समय में अभी जैसे 10 गुना ऑक्यूपेंसी हुई है, आने वाले समय में पत्रकारों को कहना था, विशेषज्ञों का कहना था, सर्वे की रिपोर्ट थी कि आने वाले समय में 100 गुना लोग वहाँ रोज आएंगे, यानी लाखों आदमी रोज अयोध्या में आने वाले हैं। इस दृष्टि को रखते हुए अभी वहाँ ऑक्यूपेंसी भी कम है। हमारी संस्था का उद्देश्य है सब तीर्थों में भवन बनाना, सभी तीर्थों में भवन बनाना और जाने वाले यात्रियों को सुविधा देना। बनाता है हमारा समाज, सेवा सबको देते हैं। ऐसा नहीं कि मैत्री समाज बनाता है तो मैत्री समाज के लिए बनाता है, ऐसा नहीं है। हमारे भवनों में बनाने के लिए मैत्री समाज है और सुविधाओं के लिए आम समाज है। आम सनातन धर्म के सभी लोगों को पूरी सुविधाएं उसी हिसाब से मिलती है जैसे समाज के लोगों को मिलती है। और ये लक्ष्य हमारा है आने वाले समय में सभी तीर्थों में ये सेवा तो स्थापित हो।